हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ देवी कुप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में नव वर्ष अभिनंदन समारोह एवं सेवा संकल्प दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा ने बताया कि सेवा संकल्प दिवस के मौके पर शक्तिपीठ के अन्नपूर्णा भवन में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से भव्य कुंड विधि विधान से तैयार किया गया और इस हवन में हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से मां भद्रकाली जी के सेवक और सेविकाएं आहुति डालने के लिए एकत्रित हुए और नव वर्ष में और भी अधिक तन मन और धन से संपूर्ण निष्ठा से मां भगवती भद्रकाली जी की सेवा करने का संकल्प लिया और मां भद्रकाली जी से प्रार्थना की कि आने वाले नव वर्ष में हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करें, हमें सद्बुद्धि और सन्मार्ग में लगाएं, हम सबका जीवन अनमोल बने और हम अपने शक्ति क्षेत्र शक्तिपीठ को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के उत्थान के लिए कुछ कर दिखाएं। शक्तिपीठ परिसर में 108 लाल ध्वज, 200 किलो फूल, रंग बिरंगी फूलों की विशेष रंगोलियां वे हजारों ही लाल सफेद गुब्बारों से सजावट की गई। मां भद्रकाली संकीर्तन मंडल की सभी सदस्यों ने मंदिर में मां के प्रिय भजनों से सभी भक्तों को मां की भक्ति में लीन कर दिया। मां भद्रकाली जी के दरबार में मंत्र उच्चारण में पूजा अर्चना की गई। उसके बाद हवन यज्ञ का शुभारंभ किया गया और पूर्णाहुति के बाद आरती से हवन यज्ञ संपन्न हुआ। हवन यज्ञ में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने भी आहुति डाली।